अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि अदाकारा मंशा पाशा ने सोशल एक्टिविस्ट जिब्रान नासिर के साथ घर वालों और चंद मखसूस दोस्तों की मौजूदगी में बाजाब्ता तौर पर मंगनी कर ली है और अपने नए सफर का आगाज कर दिया है। दोनों की अंत तक मोहब्बत देखिए। मंगनी के दौरान इस कपल ने एक दूसरे को लव बाइट्स भी दिए और बगैर किसी शर्मो हया के डांस फ्लोर पर खूब ठुमके भी लगाए। क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि अदाकारा मंशा पाशा पहले से भी शादीशुदा थी और ये उनकी मुस्तकबिल में जिब्रान नासिर के साथ दूसरी शादी होगी। मंशा पाशा ने साल 2013 में असद फारूकी नामी लड़के से शादी की, जो आप स्क्रीन पर चलती हुई तस्वीर में भी देख सकते हैं। बहुत ही कम अरसे में अदाकारा अपनी निजी जिंदगी को संभाल ना पाई और अपनी अजवाजी जिंदगी को भी बैलेंस ना कर सकी। मगर 2013 से साल 2019 दिसंबर तक मंशा ने ये बात सबसे छुपा के रखी कि वो अपने पहले शौहर के साथ एक साथ घर में रहती हैं या नहीं, और न ही किसी को इस बारे में बताया कि मेरी तलाक हो चुकी है। मगर अचानक दिसंबर 2019 में सोशल मीडिया पर एक कार्ड वायरल होता है, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि मंशा पाशा सोशल एक्टिविस्ट जिब्रान नासिर के साथ 22 दिसंबर को मंगनी कर रही हैं। मतलब इस एंगेजमेंट कार्ड से ये बात बिल्कुल वाजे हो गई कि अदाकारा ने अपने पहले शौहर असद फारूकी से तलाक ले ली है। मगर इन्होंने पहले शौहर से तलाक लेने की वजह अभी तक मीडिया के साथ शेयर नहीं की। वीडियो को इख्तिताम करने से पहले आप लोग मंशा पाशा और जिब्रान नासिर को मंगनी की मुबारकबाद देना मत भूलिएगा। अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।